अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलमान साहब? ठीक हेलो। जी, ठीक ठाक। सलमान साहब क्या हाल? अल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कौन बोल रहे हैं? आपको पता मैं किस नंबर से कॉल कर रहा हूँ, जी, किसके नंबर से कॉल कर रहा हूँ? मेरे भाई के नंबर से। रात भाई किधर है आपका? को उठा के ले गए थे उसको जी, कोई लोग, कोई हाँ उसको रात को उठा के ले गया था अगर मेरी बात सुने जी। और अगर कोई भी वैसे दो नंबरी या कोई और स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो अपने भाई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, आप मुझे तारुफ करवा दें, आप हैं कौन? मैं बताता हूँ ना, पहले मेरी सुन लो ना। आ ठीक है जी। रहे हैं किधर आप? ऑस्ट्रेलिया में? जी आप ऑस्ट्रेलिया नेशनल हैं? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है ना आपके पास? जी जी तो यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी रखना मुनासिब नहीं समझा। आपने कहा ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मैं ले लूं, देन यू शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन पाकिस्तान अफेयर्स। अच्छा जी, ठीक है, ठीक आप लोग बाहर जाके बैठ गए हो और समझते हो कि आप बहुत बड़े मुल्क के ठेकेदार हो। अब मुझे ये बताएं, ये सिटीजन पोर्टल जो है ये कौन चलाता है? मैं चलाता हूँ, हाँ मैं चलाता हूँ। आप चलाते हैं, और इसके अलावा क्या क्या चलाते हैं? कुछ नहीं, बस नहीं, ओप पोर्टल्स वो कौन चलाता है? ओपी वोटर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स, मैं चलाता। ये दोनों ट्विटर अकाउंट्स आप चलाते हैं? जी एक ही ट्विटर अकाउंट है मेरा जी, जो आप जिसका मेंशन कर रहे हो, एक ही है। नहीं नहीं, दो अलग नहीं है? अच्छा नहीं एक ही है। एक ही है। वही आप ये करेंगे कि आप इस अकाउंट का ना यूजर नेम और पासवर्ड मुझे भेजेंगे इसी नंबर पर। अच्छा जी, फिर ठीक नहीं, उससे क्या होगा फिर, है, उससे क्या होगा? वो मैं आपको बताता हूँ ना, आप भेजेंगे ये तो नहीं भेज रहा तो मैं, सॉरी, ये नहीं हो सकता। ना भेजेंगे। आपका भाई है हमारे पास, पर ठीक जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, ठीक चलिए, ओके। ओके। बोल रहा हूँ क्या है मेरी जान? सलमान भैया, यार ये भाई मुझे लेके आए हुए हैं यहाँ पे और मेरे लिए काफी मसला हुआ हुआ है, तो आप आपकी मेहरबानी होगी, जैसा ये कह रहे हैं आप वैसा करें। क्या कह रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ से बोल रहे हो ना, उन इन उस पे वो आप प्लीज ना करें वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। आप कहाँ पर हैं, किधर लेकर आए? मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, आपको कोई खाना वाना खाया, किसी ने मारा तो नहीं आपको, कुछ कहा तो नहीं, हाँ जी, खाना खाया था। जी जी खाना खाया है। मारा तो नहीं है? अच्छा नहीं, ठीक है, मैं नहीं करता गवर्नमेंट के खिलाफ बात, और बताएं। और सर और डिमांड आपकी। हेलो जी जी हेलो हेलो जी, सलमान साहब जी, सर आवाज आ रही है? जी आ रही अच्छा, मैं पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे आप यूजर नेम पासवर्ड नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक जी है, अभी अगले 1 मिनट में आपने जो एक ट्वीट की भी है ना कि मेरा भाई अगवा हुआ है, ये डिलीट करें और इसकी जगह एक ट्वीट करें कि मेरा भाई जो है वो बिल्कुल खैरियत से है, आप नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं आप घर आ जाएगा तो मैं ट्वीट कर दूंगा, पहले नहीं करूंगा, आप अच्छा चलिए इसको डिलीट कर दें, पहले नहीं करूंगा, इसको नहीं डिलीट कर दें करूंगा, ना नहीं करूंगा। यार। ये तू मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा भाई कितने मसले में है? यार मेरी जान, मैंने बता दिया ना, मैंने नहीं करनी, नहीं करनी, बस बात खत्म होगी। भाई मेरा खैरियत से घर पहुंचेगा तो उसके बाद कोई बात होगी, तड़ी नहीं लगानी, ठीक है? तड़ी की बात भाई को नहीं समझ आती, प्यार की बात समझ आती है मुझे, ठीक है? तो आप प्यार से मेरे भाई को घर छोड़ दें तो मैं उसके बाद आपकी बात मानूंगा, ठीक है? मारी तो मुझे मारी नहीं यार, अभी मैं भी तुम सुनो, ठहर जाओ, मैं तुम्हें सीधा मारी से मारी नहीं मुझे, हटाओ इसको, हटाओ इसको, ये सुनते जाओ ठीक। आप मेरी जान, आपको पता है ना यहाँ पे लॉज एंड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं आप, मारी
पाकिस्तानी के खिलाफ कहता ना आपको, आप एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के भाई को टॉर्चर कर रहे हो, आपको इस बात का पता है ना? आवाज आई है? हाँ जी आ गई है। अच्छा अभी बोलो क्या कह रहे? नहीं आप भाई को घर, भाई को घर छोड़ेंगे तो उसके बाद बात हो। नहीं पहले क्या कह रहे थे तुम? मैंने कहा था प्यार से बात समझता हूँ, गुस्से से नहीं समझता। भाई को घर छोड़ोगे तो उसके बाद करेंगे बात। नहीं पहले वो तुमने क्या बात की है ऑस्ट्रेलियन नेशनल वाली? मैंने कहा था ये आप जो कर रहे हैं ट्रांस नेशनल रिप्रेशन है, इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। ठीक है जो आप ये काम कर रहे हैं, तेरे रूल ऐसी की तैसी, तेरे रूल्स की ऐसी की तैसी। ठीक है चले अगर आप, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को लाया हूँ ना, मैं अगली बार तेरी पूरी फैमिली को उठा के लेके आऊंगा। अच्छा आप ठीक है, तुम आप एक काम करें ना, समझ रहे हो ठीक है, आप भाई को भेज दे, मैं ट्वीट उसके बाद आपकी बात मानूंगा। पहले भाई को प्लीज घर ही से घर पहुंचाएं, बस डील हो गई बात। तो भाई नहीं सुन लो, सिर्फ दो चीजों पे चलते हैं। चलो एक आप अभी ट्वीट डिलीट करो, ठीक है, इन नेक्स्ट 1 आवर बल्कि 30 मिनट्स ये आपका भाई आपके घर पे होगा। ठीक है अच्छा। और अगर ना हुआ फिर? ठीक हो गया। और ना हुआ फिर तो दोबारा ट्वीट कर लेंगे, ट्वीट करने में कितनी देर लगती है? अच्छा चले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और सेकेंडली सेकेंडली ये जो आप बिल्कुल इस सिटीजन पोर्टल पे बड़े एक्टिव हो ना, फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यहाँ पे कोई ट्वीट शीट नहीं होगी। अच्छा सोचा जा सकता है इसके बाद? नहीं सोचा नहीं, ये तो इस पे आप कुछ बात कर लो, मतलब हम इस पे कोई तय कर लेते हैं। आपको एक अच्छा आप एक बात, किस तरह की ट्वीट नहीं होती? ट्वीट तो मैं वैसे ही बहुत कम करता हूँ, आप उसकी बात आप मुझे बता दें क्या ट्वीट नहीं होती? नहीं ये जो आप धांधली पे और ये सब कुछ कर रहे हैं ना, इस पे आप बिल्कुल साइलेंट। क्यों एक महीने बाद फिर कर लूंगा? फॉर नेक्स्ट 1 मंथ आप नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी फिर आप नॉर्मल जो भी है उसको कोई शेयर करें, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हैं ना वो ना करें। 1 महीने आप बिल्कुल भी नहीं करें, उसके बाद जो आपने करना कर लेंगे। अच्छा इसमें डिस्काउंट दे दें जरा, कोई 10 दिन का कर ले। नहीं नहीं 1 मंथ। अच्छा एक महीने बाद मैं तुम्हें ये तो क्या नहीं जाएंगे। अच्छा एक महीने बाद क्या होगा? 1 महीने बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप फिलहाल 1 महीना आप करें ना, उसके बाद मैं आपके साथ डायरेक्ट भी रास्ते में आ जाऊंगा, देन वी विल डिसाइड कि क्या हम कर सकते हैं। आप करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना करें, आप करें, लेकिन अब मुझे ये बताएं इसमें और कौन कौन आपके साथ है? कोई भी नहीं, यही आपका अपना प्रोजेक्ट है जी। हाँ मतलब ट्वीट तुम कर सकते हो, लेकिन मतलब कोई ऐसी ट्वीट जो डायरेक्ट अगर अटैक होगा ना कंसिडर, तो किस पे अटैक होगा यार? किसी भी चीज पे, मतलब आप यू शेयर थिंग्स रिलेटेड टू इमरान खान कि आप कहते हैं कि वो इलीगल कस्टडी में है, आप शेयर करते हैं ना ये जी, हाउ इट इज इलीगल, अदालत ने एक सजा दी हुई है। चलें कोई इसमें तो इसमें मेरा भाई को क्या चक्कर, आप जवाब देते हैं भाई। देखें अगर मैंने ट्वीट किया इलीगल, आप उसका जवाब देते, इलीगल नहीं, बात खत्म, इसमें मसले वाली क्या बात है? नहीं नहीं ये आप इस तरह की जबान आप समझते नहीं, आप समझ रहे हैं कि आप बाहर बैठे हैं तो आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं, बहुत कुछ जा सकता। लेकिन आप जरूर कह सकते हो, मैं एक रीजनेबल बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे, मैंने आपसे कहा था मैं थोड़ी ना लगा आराम से बात करें, मैं आपसे आपके आराम से बात करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जी। सुने यार एक्सप्लेन ये है कि मतलब दीज थिंग्स कॉज इंस्टेबिलिटी, ठीक है, हमारा मुल्क इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑलरेडी बहुत नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, वी डोंट वांट इंस्टेबिलिटी इन दिस कंट्री, और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हर एंड पे जो है ना लोग चुप रहे। अच्छा लोग वो ऐसी बात ना करें जो कि इंस्टेबिलिटी कॉज करती है। आप लोग तो बिल्कुल भी ना करो यार, आप लोग तो फॉरन नेशनलिटीज ले चुके हो, आप उधर कंसर्न रखो, हमारे मुल्क को छोड़ दो, हमारे ऊपर अभी विल हैंडल इट। आपका भाई बात करे मुझे एतराज नहीं, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे रहता है, हमारे साथ ही रहता है, हमारी प्रॉब्लम शेयर करता है। आप लोग मतलब उधर की नेशनैलिटी ले चुके हैं, वो हाउ You have no right to be honest. ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, यू मे डिसएग्री विद इट, ठीक है, तो फिलहाल यू डिलीट इट, इन नेक्स्ट 30 मिनट्स योर ब्रदर विल बी एट योर होम, ठीक है।
मैं फिलहाल दो चीजों से आपसे एग्री कर रहा हूँ, दो चीजों से, ठीक है। पहली बात, मैं ट्वीट डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जब आप भाई मेरा घर आ जाएगा तो मैं आधे घंटे बाद डिलीट मैसेज कर दूंगा कि मेरा भाई घर आ गया, ठीक है। और सबको पता क्या है यार, एवरीवन नोज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग मेरे कहने। अच्छा चलो, बस फिर आप ट्वीट ना करो, बस आप ट्वीट डिलीट कर दो, बाकी ट्वीट करने की फिर से गलती यार, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है तेरा भाई की तरह, मैंने लोगों को बताना, तो मैं बस उनसे कह दूंगा मेरा भाई घर आगे, बात खत्म, बस इतनी सी कह दूंगा मेरा भाई नाउ सेफ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर कंसर्न, बात खत्म, ठीक है ना, ठीक है, कहानी खत्म, ठीक है। और सेकंड ये वाला एक तो है, भाई घर आ जाएगा उसके बाद बात करेंगे, मैं सोचूंगा, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी स्लीप ओवर इट, ठीक है, ठीक है। नहीं क्या क्या फिर क्या सोचेंगे यार, आपने मेरा भाई को एक दफा उठा लिया, आप भी तो दोबारा उठा सकते हैं ना, आपने कहा मेरे साथ इन टच रहेंगे, तो लेट मी स्लीप ओवर एंड थिंक अबाउट कि आप मेरे से जो काम कर रहे हो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बात खत्म। आप मेरे से अगर गुड फेथ में नेगोशिएट कर रहे हैं ना, आप मेरे से गुड फेथ में कह रहे हैं ना कि यार ट्वीट दोबारा कर दें, मैं भी आपसे कह रहा हूँ भाई आप मेरा घर का पता, आपको मेरे भाई का पता है, दोबारा ले जाना यार, यही कह रहे हो ना आप मुझे, दोबारा ले जाओगे तो ठीक है। ब्लैंकेट टर्म्स पे मेरी जान नहीं एग्री कर सकता, मेरी बात सुनो कि मैं कहूँ कि मैं ट्वीट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, सही है ना, तो बस ठीक है, आप करें इसके ऊपर, ठीक है। चले पांच दिन में कुछ ट्वीट नहीं करूंगा, ठीक है, पांच दिन में कुछ ट्वीट नहीं करूंगा, ठीक है। नहीं ट्वीट आप करें, मुझे सिर्फ कंसर्न ये है कि जो भी ट्वीट आप, एक तो इससे जो रिलेटेड है पीटीआई से रिलेटेड ट्वीट्स फिलहाल आप नहीं करेंगे यार। अच्छा सोचता हूँ मैं इसके बाद, ठीक है, पांच दिन चले, पांच दिन आप कोई ट्वीट नहीं करेंगे, ठीक है, और इस पे हम बात करेंगे जो पीटीआई रिलेटेड ट्वीट्स इससे रिलेटेड। चले आप मुझे दोबारा उसके बाद बात कर लेंगे, ठीक है, मैं आपसे इजाजत वगैरह कोई नहीं लूंगा, यू कैन कीप इन टच विद मी, दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपसे कोई इजाजत वगैरह वाली ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाए तो यार मैं बाजू का छह छह महीने ट्वीट नहीं करता, आज छह महीने में ट्वीट नहीं करता अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाकर, ठीक है, सही है, मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ ट्विटर पे, ठीक है, और मैं कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी हरकतें भी तो जरा सोचो ना, आप लोग क्या करते हो यार, क्यों इस तरह की बातें करते हो कि हम डॉक्टर नहीं देखने देंगे, हम ये नहीं जाने देंगे, हम किसी को नहीं मिलने देंगे, लोग पैनिक कर जाते हैं इस बात के ऊपर, आप मेरी बात समझ रहे, फिर जब लोग पैनिक करते हैं ना तो फिर लोग अजीब अजीब काम करते हैं। किस चीज खान साहब से दो हफ्ते कोई बंदा नहीं मिल सकता, उनकी आंखों का मसला है, उनकी तबीयत का मसला है, कोई नहीं मिलेगा, कोई मीडिया नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, इससे ना पैनिक फैलता है, आप मेरी बात समझे, आप लोगों ने पैनिक फैलाया, मैंने नहीं पैनिक फैलाया, जब आप इस तरह के इकदाम लेते हैं ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी पैनिक कर जाते हैं, तो आप किस किस को, किस किस के भाव को उठाओगे, किस किस को रोकोगे यार, मेरी बात समझो ना आप, अब यू फॉलोइंग मी, यस आई एम फॉलोइंग यू, तो फिर कितने लोगों को आप समझाओगे यार, मैं चलो अगर नहीं करता पांच दिन ट्वीट, आपके ख्याल में कि 36 लोग जो और इस चीज से अपसेट है वो नहीं बोलेंगे, वो इंस्टेबिलिटी नहीं कॉज कर रही चीज, आप खुद बताओ पिछले 24 घंटे में कितना रोला मचा इस बात से, जब आप लोगों ने कहा कि हम दो घंटे नहीं खान साहब को मिलने देंगे, दो हफ्ते, कितना रोला मचा इस चीज, आप खुद भी तो थोड़ा सोचो ना यार, ब्रूट फोर्स क्यों हर चीज में इस्तेमाल करते हो यार, हर चीज का जवाब ब्रूट फोर्स तो नहीं होता ना, आपने ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हो ना दो साल से, क्या नतीजा निकला, दैट्स अनदर डिस्कशन फॉर अ टॉपिक, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, मैं रीजनेबल आदमी हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या तो आप मुझसे कन्विंस हो जाए या मुझे कन्विंस कर लें, ठीक है, मुझे आपसे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं, ठीक है, अगर आप मुझे कन्विंस कर लेंगे, मैं कन्विंस हो जाऊंगा तो मैं I'll follow what I understand, ठीक है, मेरी बात समझ रहे, ठीक हो गया, मैं तो ये रखते हैं, सुने आपने ना, अभी आप ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके भाई को भेज रहा हूँ, आपका इसमें ग्रामी हमजा मारखोर के लिए काम कर, मैं बस अभी फिलहाल आई कैन ओनली टेल यू दिस, अच्छा चलिए ठीक है हमजा, ओके मैं ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ, आप मेरे बल्कि मैं अभी फोन पर ही डिलीट कर देता हूँ, बताएं, अच्छा इन नेक्स्ट 30 मिनट्स आपका भाई जो है वो घर पे होगा, ठीक है, ये मतलब ऑन हिज वे होगा, ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी, और नेक्स्ट 5 डेज देयर विल बी नो ट्वीट फ्रॉम योर साइड,
ठीक है, मैं 5 दिन वाली बात के ऊपर सोचूंगा, ठीक है, ओके, आप मेरे से दोबारा बात कर लेना, मेरे भाई को फिलहाल घर खैरियत से पहुंचाए, ठीक है, मैं ट्वीट डिलीट कर रहा हूँ, ओके मेरा भाई, खुश रहे, ओके, अल्लाह। चलो।